हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज का टॉपिक है एम्पलीफायर्स। तो आप जैसा सोच रहे हैं एम्पलीफायर मीन्स एम्पलीफाई करेगा, यही नहीं सोच रहे हैं, डैट्स ट्रू, आपका भी कहना सही है। आज का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका एक क्लास से पहला लेक्चर से है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला यूनिट्स में आपका पढ़ना है आइडियल एम्पलीफायर। तो आप बताइए कि एम्पलीफायर का नीड क्यों पड़ा, जरूरत क्यों है? पहला तो यही है, पढ़ना क्यों है, पहले जरूरत क्या है जिसके बाद पढ़ना क्यों है। देखिए, एम्पलीफायर अगर हम बोल रहे हैं, ये जो आप सुन रहे होंगे आपके पास, हम बोल रहे हैं तो देखिए कि हम बोल रहे हैं माइक में, ऐसा तो नहीं हो सकता हम अगर बोलेंगे तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है मेरा साउंड, मैक्सिमम 100 मीटर ट्रेवल कर सकता है। मान लेते हैं कि बहुत लाउडली होगा तो 200 मीटर, उससे तो ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर हम 200 मीटर तक मेरा स्ट्रेंथ कम गया, देखते होंगे डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते आपका वॉइस का स्ट्रेंथ, मतलब कि वॉइस का जो साउंड जो बोलते हैं सुनाई नहीं दे रहा, तेज बोलो। अरे तेज क्या है, बोलते हैं कि एम्पलीफाई करो, थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ाओ। ये हम मत बोलिए कि बास को बढ़ाओ, वो बास नहीं है, दैट इज नॉट इशू। तो आप जो वॉल्यूम को बढ़ाओ कहते हैं, दैट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ साउंड को इनक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ाना मतलब स्ट्रेंथ ऑफ साउंड को क्या कर रहे हैं, इनक्रीज कर रहे हैं। तो एम्पलीफायर बेसिकली करता क्या है कि आप बास को बढ़ाते हैं। कभी बोलते हैं नहीं यार बास बहुत ज़्यादा हो गया है, बास को ठीक है, झनकार थोड़ा सा होना चाहिए। मिक्सर जो रखते हैं घर, हर एक जगह पे देखते होंगे जो डीजे बजाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कभी बोलते हैं बास बढ़ाओ, कभी बोलते हैं झनकार बढ़ा दो। अरे बढ़ा तो रहे हैं सब कुछ, सबको इंक्रीज करवा रहे हैं, बट एम्पलीफायर की क्या करता है। एम्पलीफायर देखिए, नीड एम्पलीफायर का क्या है, एम्पलीफायर का बेसिक काम क्या होता है कि आपका जो भी साउंड है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वही सेम रहेगा, सिर्फ क्या करेगा एम्पलीट्यूड होगा। डैट मीन्स द क्वांटिटी जो होगा साउंड का, क्वांटिटी मीन्स अगर हम बोल रहे हैं कि क्वांटिटी मीन्स अगर हम कोई दिए हैं साउंड का, मान लिया जाए कि 5 कोई सिग्नल है 5 sin ωt, तो आपका जो एम्पलीफायर होगा सिर्फ इसको इंक्रीज करेगा, 5 को इंक्रीज करेगा और इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगा। डैट वन इज ए आइडियल एम्पलीफायर। अगर इसके साथ साथ किसी में भी या वेव फॉर्म के शेप में चेंज करे या फ्रीक्वेंसी में चेंज करे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाएगा साउंड सिग्नल्स में, एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो आप अगर देखते होंगे कि आपका एक मास्टर वॉल्यूम की रहता है, मास्टर रहता है, तो मास्टर क्या करता है, या आप फिर मोबाइल फोन में देखते होंगे कि वॉल्यूम का बटन जो रहता है वहां पे इंक्रीज करते हैं तो ओवरऑल बढ़ाता है, कोई एक चीज नहीं बढ़ाता। ओवरऑल मीन्स जिस स्ट्रेंथ में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा उसी स्ट्रेंथ में बांस भी बढ़ेगा, उसी स्पीड में आपका ट्रेवल्स भी एक ट्रेवल करके रहता है, तो उसी स्पीड में सारा कुछ उतना ही बढ़ेगा। तो एम्पलीफायर का क्या काम होता है, सिंपल द, अगर हमारा वीक हो गया 100 मीटर में तो सिग्नल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब ना आगे चल के फिर आगे जाएगा। जैसे कि देखते होंगे आप माइक से हम बोलते हैं, माइक तो आपका क्या क्या कन्वर्ट, साउंड जो आपने बोला उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रिकल्स में करने के बाद एक आपका सेटअप बॉक्स जिसको एम्पलीफायर बोलते हैं, एम्पलीफायर रखा हुआ, वो बेसिकली क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गया जो आप बोल रहे हैं उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में गया, उसको क्या करे, उसके स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करे, स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, फिर स्ट्रेंथ को जैसे ही इंक्रीज किया एक लास्ट में देखते होंगे कि हम वायर जोड़ते हैं किसको, हॉर्न को कनेक्ट करने के लिए, उसको हम हॉर्न बोलते हैं देहात में, बट दिस वन इज टेक्निकल इज लाउड स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, वो क्या किया, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। लाउड स्पीकर इंक्रीज नहीं कर रहा, इंक्रीज कौन कर रहा है, आपका एम्पलीफायर इंक्रीज कर रहा है। तो नीड क्या है एम्पलीफायर, कोई भी वीक सिग्नल को
ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। बट यहां पे कंडीशंस क्या हम बोल रहे हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स सैप। सैप अगर आप दे रहे हैं इस सैप से सिग्नल्स, तो आपका इसी सैप में जाएगा आउटपुट। अगर आपने दिया इस सैप में इनपुट, तो आपका इसी सैप में आउटपुट जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर। अब तो समझ गए होंगे क्यों जरूरत है, सिंपल सा लॉजिक है कि डिफिनेशन क्या लिखेगा, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विदाउट चेंजिंग इट्स सैप। ओके, तो एम्पलीफायर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या हम कंडीशन रख रहे हैं, विदाउट चेंज इट्स सैप। सैप अगर नहीं चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा। अब सिंपल सा कर रहे हैं, एम्पलीफायर इंक्रीज क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड। स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। बट यहां पे चेंजिंग क्या कर रहा है, डज नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एंड सैप ऑफ द सिग्नल। सिंपल सा बोल सकते हैं, एम्पलीफायर इंक्रीज क्या कर रहा है, इंक्रीजेज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, इंक्रीजेज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। बट डज नॉट चेंज, क्या नहीं चेंज करेगा, बट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी एंड सैप ऑफ द सिग्नल, चेंज फ्रीक्वेंसी एंड सैप ऑफ द सिग्नल। सिंपल सा लॉजिक है, अगर इनपुट आपने दिया वी आई मान लिया जाए, इनपुट सिग्नल वी आई इक्वल टू आपने दिया 5 sin ω0 t, तो आपका आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, मान लिया जाए कि इंक्रीज कर लिए तो 5k क्या है, कांस्टेंट है, के इट में भी 1, 2, 3, 4 जो भी इंटीजर हो सकता है, 5k sin ω0 t। या बोल सकते हैं दूसरा में ब्लॉक डायग्राम अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज ए एम्पलीफायर, इसको मैंने एम्पलीफायर लगा दिया, आपका इधर दिया आपने इनपुट सिग्नल वी आई और इधर दे दिया वी आउट। मान लेते हैं कि इनपुट सिग्नल आपने दिया ये, तो आउटपुट क्या आएगा, क्या गया, एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीजेज, तो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर हम एम्पलीफिकेशंस कर रहे हैं, एम्पलीफिकेशंस मींस क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैग्निफिकेशंस, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पे हम लिखते हैं एम्पलीफिकेशंस मींस होता क्या है, एम्पलीट्यूड मैग्निफिकेशन, एम्पलीट्यूड को इट में भी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हम k का वैल्यू यहां पे जो लिखे 1 से कम कर दे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीट्यूड मैग्नीफायर का काम करता है, तो एम्पलीफिकेशन मींस
एम्पलीट्यूड मैग्निफिकेशन सेम एंड एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर इज ए एम्पलीट्यूड मैग्निफायर, एम्पलीफायर इज ए एम्पलीट्यूड मैग्निफायर, एम्पलीट्यूड मैग्निफायर। तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ एम्पलीफायर। अगर हम सिंपल सा कहें कि एम्पलीफायर को कितने तरह में बांटा गया है, एम्पलीफायर को बेसिकली चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चार कैटेगरी में कौन कौन सा कैटेगरी है, फर्स्ट वन इज या तो वोल्टेज को अगर एम्पलीफाई कर रहे हैं, वोल्टेज इनपुट भी वोल्टेज, देखिए आपका इनपुट आउटपुट कितना सोर्स में दे सकते हैं, इनपुट आउटपुट आप एक इनपुट है एक आउटपुट है, कितने तरह से दे सकते हैं आप इनपुट, वोल्टेज होगा आउटपुट भी वोल्टेज आएगा, इट में भी इनपुट आपका सिंपल सा है इनपुट सिग्नल, यहां से हम करते हैं। अगर इनपुट आपने इनपुट आउटपुट इनपुट आपने वोल्टेज दिया तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, वोल्टेज दे दे, दूसरा पॉसिबिलिटी है आउटपुट इट में भी करंट में कन्वर्ट कर दे, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इनपुट में आपने करंट दे दिया तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, आउटपुट आपका वोल्टेज दे दे, या दूसरा पॉसिबिलिटी है आपका आउटपुट क्या कर दे, करंट में कर दे कन्वर्ट, यह पॉसिबिलिटी है। तो इनपुट इट में भी वोल्टेज और करंट देंगे, आउटपुट भी क्या होगा, वोल्टेज या करंट हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हो गया आपका, पहला केस में कह सकते हैं कि पहला एम्पलीफायर वोल्टेज से वोल्टेज कन्वर्ट करे, फर्स्ट टाइप एम्पलीफायर, दूसरा बोलिएगा करंट से करंट एम्पलीफायर कर दे, तीसरा बोलिएगा क्या कि वोल्टेज से करंट कर दे, चौथा बोलिएगा करंट से करंट से करंट, दूसरा हो गया ने बोलिएगा करंट से वोल्टेज कर दे, यही तो मीन्स चार गो है आपका पॉसिबिलिटी। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर को कितने क्लासिफाइड किया गया है, तो एम्पलीफायर में भी क्लास ब्रॉडली क्लासिफाइड क्लासिफाइड इनटू फोर ब्रॉड क्लासिफाइड कैटेगरी। कौन कौन सा कैटेगरी होगा, पहला हो गया वोल्टेज से वोल्टेज कन्वर्ट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा हो जाएगा करंट से करंट कन्वर्ट करेगा तो उसको बोलेंगे करंट एम्पलीफायर, तीसरा हो जाएगा वोल्टेज से अगर करंट कन्वर्ट करेगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, चौथा हो जाएगा करंट से आपका वोल्टेज कन्वर्ट तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस मीन्स होता क्या है, बेसिकली ट्रांस मीन्स में होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर मीन्स गेन की हम बात कर रहे हैं, मीन्स अगर हमारा यहां पे I नॉट आया और यहां पे भी आई तो सिंपल सा I बाई भी क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे I बाई भी क्या होता है, कंडक्टेंस हो गया। तो ये आउटपुट क्या है, आउटपुट करेंट है, इनपुट क्या है, वोल्टेज है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, ट्रांस कंडक्टेंस मीन्स ट्रांसफर। यहां पे भी सेम देखिए, वोल्टेज आपका भी आउट है, करंट आपका आई आई है, तो आपका आउटपुट भी बाई आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। आपका आउटपुट है वोल्टेज, इनपुट में क्या है, करंट है, दैट मीन्स द रेशियो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स आउटपुट बाई इनपुट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या कन्वर्ट कर दे रहा है, तो इसीलिए इसका पड़ गया ट्रांस कंडक्टेंस, इसका पड़ गया ट्रांस रेजिस्टेंस। वोल्टेज एम्पलीफायर में तो कंफ्यूजन नहीं है, वोल्टेज से वोल्टेज कन्वर्ट कर देगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया वोल्टेज एम्पलीफायर। करंट से करंट कन्वर्ट कर दिया तो उसको नाम पड़ गया करंट एम्पलीफायर। तो आप प्लीज नोट डाउन, एम्पलीफायर में भी एम्पलीफायर से कितने कैटेगरी
कैटेगराइज करेंगे चार तरह का, देयर आर फोर टाइप्स। तो यहां पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर में या बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ आइडियल एम्पलीफायर, पहला हो जाएगा क्या, वोल्टेज एम्पलीफायर। कहीं कहीं एम्पी आर भी लिखते हैं। तो वोल्टेज से वोल्टेज कर दिया मैंने, तो इसका वर्क कंप्लीट हो गया, पहला मैंने लिख दिया। दूसरा हम लिख रहे हैं क्या, सेकेंड वन लिख रहे हैं करेंट एम्पलीफायर, मीन्स इनपुट भी करंट रहेगा आउटपुट भी करंट सोर्स रहेगा। तो मैंने करंट से करंट कर दिया, दूसरा यहां पे भी कर दिया ये। तीसरा है आपका, तीसरा नंबरिंग की है वोल्टेज से करंट करने के लिए, तो वोल्टेज से करंट उसको हम बोलेंगे ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। और लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज क्या हम बोलेंगे, फोर्थ वन को ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहां पे हम इसके अंदर में पढ़ेंगे क्या, आपके सिलेबस में लिख दिया है आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर एंड ट्रांस रेजिस्टेंस। इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट एम्पलीफायर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। करेक्टरिस्टिक्स में सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके, टू फाइंड आउट द इनपुट इंपेडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इंपेडेंस कितना होता है, जीरो होता है, आइडियल के केस में जीरो और इन्फिनिटी होता है। बट हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, पहले प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, थ्योरिकली देख लेंगे, सॉरी आइडियली देख लेंगे, जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बेसिक्स जानते होंगे कि वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स तो जानते होंगे। वोल्टेज सोर्स मीन्स इट प्रोवाइड द वोल्टेज, इट प्रोवाइड वोल्टेज। जैसे कि सोर्स, अगर हम बोल रहे हैं तो हम क्या है, सोर्स है, हम आवाज आपके पास कर रहे हैं, तो मीन्स साउंड प्रोड्यूसर है। आप अगर सुन रहे हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर क्या करता है, मेरा साउंड क्या किया, कैच किया माइक के थ्रू, वायर के थ्रू, वो वहां पर सिग्नल गया, वो एक्सेप्ट किया, तो एम्पलीफायर है। जिसके बाद अगर वो प्रोड्यूस कर दिया तो वो आउटपुट में दे दिया, तो मींस जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, अगर वहां का रेजिस्टेंस पता करना है या इंपेडेंस, तो उसको बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। वो जो प्रोवाइड किया लाउड स्पीकर को, जो भी इंपेडेंस आएगा, जितना भी ओम आए, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस। जैसे कि आप लाउड स्पीकर में एम्पलीफायर बजाए होंगे तो पीछे देखते होंगे 4 ओम 8 ओम 16 ओम लिखा रहता है, वो क्या है, इंपेडेंस है। इंपेडेंस क्या है, आउटपुट इंपेडेंस है। वो आउटपुट इंपेडेंस मैच किसके लिए, जैसे देखते होंगे, बोलते होंगे कि सर हमारा लाउड स्पीकर का बार बार कट जाता है, क्या कट जाता है भाई, जैसे देखते होंगे लाउड स्पीकर्स में हॉर्न जो लगाते हैं उसका जो जो रहता है वहां पे एक तरह से वो क्या रहता है, वाइब्रेट होता है, डायफ्राम क्या होता है, वाइब्रेट होता है, वो वाइब्रेट बंद हो जाता है। क्यों बंद नहीं होगा, जब तक आपका इंपेडेंस, अगर उसका इंपेडेंस कम गया, आपने ज्यादा दिया तो उधर करंट क्या होगा, कम रेजिस्टेंस में ज्यादा चला जाएगा। करंट अगर ज्यादा हुआ तो आपका इट में भी डैमेज, करंट और वोल्टेज ज्यादा भी जाएगा। इसीलिए प्रॉपर डिजाइन में हम लोग जब खरीदने जाइएगा आप, तो वहां देखिएगा सब कोई बोलता है कि 1 वाट 2 वाट का होता है, बट वाट में उसका यूनिट नहीं आता। कोई भी लाउड स्पीकर खरीदिएगा डायरेक्ट यूनिट इन ओम में, ओम में आता है। ऐसे दुकानदार ज्यादातर बोलते हैं वाट में देंगे, वाट में नहीं होता है, उसका यूनिट ओम में होता है। आप लोग इंजीनियर हैं, आप लोग सही आइडेंटिफाई कीजिएगा, आप देखिएगा वहां पे आपको ओम में ही मिलेंगे। ठीक है, तो नाउ डिस्कस, बहुत सारे स्टोरीज हो गए प्रैक्टिकली,
आपको पहला टॉपिक्स पे चलते हैं आज के क्लास में। हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक पे डाइट टॉपिक इज नोन एज, क्या हम कर रहे थे, वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, ये तो एम्पलीफायर तो समझ गया आपको, ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा। डैट मीन्स द वोल्टेज एम्पलीफायर आर एम्पलीफाई एन इनपुट सिग्नल या इनपुट वोल्टेज सिग्नल एंड प्रोवाइड आउटपुट करेंट सिग्नल या वोल्टेज। वोल्टेज एम्पलीफायर वोल्टेज करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करेगा, इनपुट भी लेगा वोल्टेज, आउटपुट भी देगा वोल्टेज। तो प्लीज नोट ऑन, वोल्टेज एम्पलीफायर यार इंटेंडेड टू एम्पलीफाई एन इनपुट वोल्टेज सिग्नल एंड प्रोवाइड क्या करेगा, प्रोवाइड क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, प्रोवाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। तो ये था आपका वोल्टेज, मीन्स आपका जो होगा इनपुट भी वोल्टेज होना चाहिए, आउटपुट भी वोल्टेज। डैट मीन्स वोल्टेज एम्पलीफायर या वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होगा, इज इसेंशियली क्या होगा, वोल्टेज भी इनपुट, आउटपुट भी वोल्टेज, इसेंशियली वोल्टेज कंट्रोल्ड, आउटपुट जो आएगा इनपुट से कंट्रोल होगा, इसीलिए इसका नाम ए वोल्टेज आउटपुट के लिए लिख रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड। किसके लिए, सोर्स कौन सा दे रहे हैं, मींस सोर्स इनपुट दे रहे हैं, सोर्स मींस वोल्टेज दे रहे हैं, कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स मींस आउटपुट, आपका आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल किससे हो रहा है, इनपुट वोल्टेज से, इसीलिए नाम पड़ गया क्या, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स से देते हैं। ओके तो आपका जो वोल्टेज एम्पलीफायर में इनपुट आपका क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स, आउटपुट क्या हो गया आपका, वोल्टेज, आउटपुट भी वोल्टेज, इनपुट भी वोल्टेज। मींस इनपुट में अगर आपका एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट किससे बनेगा, वोल्टेज का इक्विवेलेंट किससे बनाते थे, थेवेनिन से, तो थेवेनिन से बनाते थे, इसीलिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर इज क्या होगा, इनपुट में मान लिया जाए यहां पे आपने वोल्टेज सोर्स दिया, इसका तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा प्रैक्टिकली, आरएस मान लिया। अब एम्पलीफायर को दिया तो एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस होगा, ये आपका इनपुट इंपीडेंस आरआई मान लिया, और ये जो आउटपुट दे रहा है कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड का सिंबल इससे देते हैं, तो आपका क्या होगा, वोल्टेज है मींस प्लस माइनस, आपका वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, ए भी इनटू क्या हो जाएगा, यहां का जो इनपुट में आएगा इनपुट वोल्टेज, वो वोल्टेज, और इसका आउटपुट क्या होगा, आर ओ, और लोड में कुछ भी कनेक्टेड करेंगे, लोड में मान लेते हैं लाउड स्पीकर या कुछ भी रहेगा कनेक्टेड, डैट वन इज वी आउट। तो आप देखिए कि आपका जो है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है, थेवेनिन में क्या करते थे इक्विवेलेंट,
RTH और VTH. VTH किसका है? ये आ गया RTH R0. Means amplifier कौन सा हुआ? Amplifier आपका ये है amplifier जो मैंने dotted किया. ये क्या है? आपका voltage amplifier. Dot किया. This one is voltage amplifier. वोल्टेज एम्पलीफायर. तो अब देखिए कि आपका यहां पे क्वेश्चंस ये आते हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर इन मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस एंड आर नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस. तो आप देखिएगा ये तो बेसिकली क्या है, मैंने जैसे कि सोर्स से आपने प्रोड्यूस किया, सोर्स मतलब माइक का जो आउटपुट में जा रहा है उससे आपने प्रोड्यूस किया, ये दिया आपने वोल्टेज. आपको इसको एम्पलीफाई करके, इसको एम्पलीफाई करके, ये एम्पलीफायर है जो आपका इस वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया. दैट्स इट. दिस वन इज वोल्टेज एम्पलीफायर. तो वोल्टेज एम्पलीफायर अगर समझ गए हैं तो वी कैन फाइंड आउट द, फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस. हाउ टू फाइंड आउट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन से आपके पूछते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में आप देखिएगा कि आपका इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस, और ये जो सर्किट बना, दिस वन इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर. ये जो मैंने सर्किल के अंदर किया है, ये है आपका एक्चुअल वोल्टेज एम्पलीफायर. ये जो कनेक्ट किए हैं, ये इसको आपने एक्सटर्नल कनेक्ट किए हैं. ओके, तो पहला बताइए कि Vin इक्वल टू क्या होगा? इनपुट वोल्टेज इक्वल टू सोर्स से जो इनपुट जा रहा है एम्पलीफायर में, उसका वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? फ्रॉम गिवेन सर्किट. गिवेन मींस दिस सर्किट. गिवेन सर्किट से आप Vin इक्वल टू क्या लिखेंगे? इस वोल्टेज को क्या लिखेगा? यहां का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए कि ये दोनों रजिस्टर आपका सीरीज में कनेक्टेड है. आपको निकालना है आरआई के थ्रू. तो क्या निकलेंगे? यूजिंग द वोल्टेज डिवीजन टेक्निक. यूजिंग द वोल्टेज डिवीजन टेक्निक आपका क्या हो जाएगा? वी एस इंटू द आरआई डिवाइडेड बाई आरएस प्लस आरआई. क्या हम लगाए हैं? यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल. वोल्टेज डिवीजन रूल, ये तो 10th क्लास और 12th क्लास में भी ओम्स लॉ पढ़े होंगे, तो वोल्टेज डिवीजन उसी को बोल रहे हैं ओम्स लॉ से निकालने के. अगर यहां पे इक्वल करना, हम तो चाहेंगे ना कि मैं जो बोल रहा हूं डायरेक्ट इनपुट एम्पलीफायर में, कोई लॉस ना हो, डायरेक्ट कहां जाए? एम्पलीफायर के इनपुट में चला जाए. तो इनपुट के एम्पलीफायर के इनपुट में चला जाए, डैट मीन्स द, कब होगा इनपुट में? जब इफ आर आई इज मच ग्रेटर देन आर एस, आर एस से ज्यादा मच ग्रेटर देन आर आई होगा, देन आपका क्या होगा? भी इन इक्वल टू आर आई कैंसिल, डैट मीन्स द इक्वल टू भी एस. यही ना आपको चाहते हैं. तो मीन्स इनपुट इंपीडेंस ऑफ, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ, इसी को हम क्या बोलेंगे? इनपुट रेजिस्टेंस. मीन्स ये जो है आपका, देयर फोर कह सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होना चाहिए? एज हाई. इसको स्टार मार्किंग कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. आपने प्रूफ कर दिया पहला, क्यों हाई होना चाहिए? हाई होगा तभी ना इनपुट सोर्स जो वोल्टेज होगा वो एम्पलीफायर के इनपुट में चला जाएगा. ठीक है. दूसरा, अगर हमारा फाइंड आउट करना हो आउटपुट वोल्टेज, वी आउट इक्वल टू क्या लिखिएगा? यूजिंग वोल्टेज इवेंट टेक्निक. ये भी वोल्टेज सोर्स है, आर एल इज लोड, डैट मीन्स द ए वी इंटू वी आई इंटू आर एल डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस
आर्यन। अब बताइए कि ए भी जो है इतना के बराबर कब होगा, ए भी इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, मीन्स इतना के बराबर कब होगा, जब आपका आर नॉट मच लेस देन होगा, मच लेस देन कम से कम होना चाहिए। तो इफ आर नॉट इज मच लेस देन आरएल, तभी ना होगा क्या, वी आउट इक्वल टू ए वी इंटू वी आई, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस वन इज इंडिकेट आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर, एज क्या होना चाहिए, लो, क्या होना चाहिए, लो। तो वी कैन से दैट कि अगर आपका लो होगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वी इंटू वी आई, ए वी इंटू क्या होगा, वी आई। तो वी कैन से दैट आपका ए वी क्या है, ए वी इज ए वोल्टेज गेन है, ए वी क्या है आपका, वोल्टेज गेन है। आगे चल के हम फिर पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर से बनाएंगे एम्पलीफायर को, ये तो बेसिक आइडिया इज अबाउट द एम्पलीफायर से, बेसिक्स है। तो आपका वोल्टेज गेन क्या है, ए भी, वोल्टेज गेन मींस इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, उसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। ए भी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन, दैट मींस द वी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई, कह सकते हैं रेशियो कैंसिल, ए भी इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। दैट मींस द वी कैन से दैट कि आपका ए भी तो आपको पता चल गया, मींस आपको कह सकते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर प्रोवाइड्स आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज एंड प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस। सोर्स रेजिस्टेंस आप देख रहे होंगे कि आउटपुट वोल्टेज ए भी पे ओनली डिपेंड कर रहा है, न आरएस पे डिपेंड किया न आरएल पे डिपेंड किया, मींस वोल्टेज एम्पलीफायर प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट प्रोवाइड्स आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू किसका, इनपुट वोल्टेज का, एंड प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस। यही अगर आपका वोल्टेज एम्पलीफायर अगर आइडियल हो जाए तो आउटपुट रेजिस्टेंस हाई क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। फॉर आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होगा, तभी नहीं जाएगा, वी इन इक्वल टू वी एस क्या होगा, आपका आर नॉट इक्वल टू क्या होगा, सॉरी आर आई इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, हाई मींस इन्फिनिटी, वही आपका आर नॉट क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस इज लो, दैट मींस द जीरो। तो इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में चारों एम्पलीफायर से किसी ना किसी का हर एक सेमेस्टर में क्वेश्चन, एक क्वेश्चंस रहेंगे, आई ग्रांटेड, हम ग्रांटी के साथ कहते हैं कि ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम करेंट एम्पलीफायर्स करेंगे, ठीक है। तो प्लीज
प्लीज शेयर दिस एप्स नेक्स्ट एग्जाम 8 PM। अगर आपको क्लास अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को बताइए, एंड एनी डाउट्स होते हैं तो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस ऑन द व्हाट्सएप नंबर्स और कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द नेक्स्ट एग्जाम 8 PM। थैंक यू।